ASN24 पल पल की खबर। शराब का नशा और अवैध संबंध बनाने की जिद के कारण समय से पहले महिला जानकी बाई को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला दर्री थाना इलाके का है, जहां बीते दिनों महिला की लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि मृतका अपनी सौतन और कुछ सहेलियों के साथ भाजी तोड़ने के लिए गई हुई थी। इतना ही नहीं, उसकी योजना कचरे से प्लास्टिक बिनने की भी थी। दोपहर करीब 12 बजे आरोपी अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। मृतका समेत आरोपी और उसके साथियों ने देसी शराब पी। कुछ देर बाद बात करने के बाद सभी वापस लौट गए। इसके बाद आरोपी समीर वापस आया और जानकी से संबंध बनाने की जिद करने लगा। मना करने पर आक्रोशित समीर ने सीमेंट के खंभे से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया, फिर लाश को छुपा दिया। सूचना आया कि एक परिजनों द्वारा ही कि एक महिला का जो है निर्वस्त्र अवस्था में एक बॉडी मिला हुआ है। तस्दीक के लिए थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंच गया। मैं भी क्योंकि ऑफिस में था तो मैं भी तुरंत पहुंच गया। घटना स्थल पर जाके देखे तो एक महिला की जो है सिर पर जो है घातक वार हुआ था और वो मतलब पेट के बल अचेत अवस्था में मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो प्रथम दृष्टया देख के ही समझ आ रहा था कि इसका जो है सर पर प्राणघातक हमला करने से इसकी मृत्यु हुई है। मतलब यह मर्डर का ही मामला था, यह स्पष्ट हो चुका था। जैसे कई आई विटनेस से वहाँ पर जो इनके साथ देखा गया था उनसे यह स्पष्ट होने लगा धीरे धीरे अनुसंधान में। तो परत दर परत हम लोग पहुँचने लगे तो इसमें जो है एक आरोपी जो है समीर, ये इसके द्वारा सीखी हालत में शारीरिक संबंध की मांग को लेकर के थोड़ा सा नोकझोंक हुआ, जिस पर से ये आक्रोश में आकर के उस पर जो सीमेंट का एंगल बना होता है उस पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे ऑन डी स्पॉट इसकी डेथ हो गई और इन्होंने फिर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अंदर झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। कौन कौन सा आरोपी का प्राणक भी कुछ रिकॉर्ड है क्या, ये और अपराध है? देखने से यह प्रतीत होता है कि नशा करने वाला है, ड्रग एडिक्ट जैसा है और इनका पुराना चोरी वोरी का रिकॉर्ड भी रहा है। कौन सा हथियार जब्त किया गया इसमें? इसमें जो घटना में प्रयुक्त जो सीमेंट का जो एंगल होता है जो वहाँ पर घटना स्थल पर था और आरोपी के निशानदेही पर उसको प्राप्त किए हैं, तो वो सीमेंट का एंगल है जिससे इन्होंने इसके सिर पर 3 वार किया था। धारा क्या लगाए सर इसमें? 302 IPC और 201 साक्ष्य, मतलब हत्या करना और साक्ष्य को छुपाना, इसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। विवेचना इसमें जारी है। तो लोगों में थोड़ा सा परिजनों में जन आक्रोश तो है और लेकिन हमने उसको समझा दिया है कि पुलिस जो है पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रही है, आज इसका हम खुलासा करेंगे। इस तरह समझा देने के बाद जो है उनको वापस भेज दिया गया है क्योंकि हत्या का मामला है, जन आक्रोश था, तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं, जाँच करेंगे। अभी हमारा कोई कार्रवाई करने का वो नहीं है। क्या आरोप था सर उनका, मांग क्या कर रहे थे? उनका कहना था कि आरोपी को जो है फांसी की सजा के लिए वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे पुलिस जो है बहुत गहराई से इस पे अनुसंधान की है, आगे भी करेगी और क्योंकि ये माननीय न्यायालय यह तय करेगी, पुलिस इसमें अनुसंधान करके सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगी और जो विटनेस है जो गवाह देंगे और जो हमारे पास जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर ही इस पे माननीय न्यायालय फैसला करेगी। क्या बोलते हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर दर्री पुलिस का जो दर्री थाना प्रभारी, ये सबकी उपलब्धि है और आप लोग के सहयोग से हम लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया है और इसको 24 घंटे के अंदर अंधेगत को कत्ल को सुलझा लेना मेरी नज़र से आपकी अच्छी उपलब्धि है। सर आरोपी का पूर्व में कुछ संबंध था, जान पहचान था क्या? उनके बच्चों के साथ जान पहचान था, जो मृतिका की जो छोटी है, मतलब क्योंकि खेमलाल की दो पत्नियां थी जिसमें मृतिका बड़ी है, उसके बाद मंटोरा बाई दूसरी है,
तो मंटोरा का तीन मंटोरा बाई का तीन बेटा और दो बेटी है, तो तीन जो बेटे हैं उनके साथ इनका कभी कभी उठना बैठना था। KSN 24 न्यूज के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।